छठ पूजा में उगते व डूबते सूर्य देव की पूजा की जाती है और अर्घ्य दिया जाता है। जाने इस साल अर्घ्य की टाइमिंग छठ पूजा 2023 कब है। भगवान सूर्य की आराधना का महापर्व डाला छठ या सूर्य षष्ठी व्रत इस बार 19 नवंबर को है। इस व्रत की शुरुआत नहाए खाए के साथ ही कार्तिक शुक्ल चतुर्थी 17 नवंबर से होगी। छठ पूजा में उगते व डूबते सूर्य देव की पूजा की जाती है और अर्घ्य दिया जाता है। जाने इस साल अर्घ्य की टाइमिंग छठ पूजा 2023 कब है। भगवान सूर्य की आराधना का महापर्व डाला छठ या सूर्य षष्ठी व्रत इस बार 19 नवंबर को है। इस व्रत की शुरुआत नहाए खाए के साथ ही कार्तिक शुक्ल चतुर्थी 17 नवंबर से होगी। आ जाइए, आप बहुत प्रार्थना कर रहे। जी जी जी, आप बैठ जाओ भैया। वो खड़ा हुआ बालक था, वो जो छठ पूजा में उगते व डूबते सूर्य देव की पूजा की जाती है और अर्घ्य दिया जाता है। जाने इस साल अर्घ्य की टाइमिंग छठ पूजा 2023 कब है। भगवान सूर्य की आराधना का महापर्व डाला छठ या सूर्य षष्ठी व्रत इस बार 19 नवंबर को है। इस व्रत की शुरुआत नहाए खाए के साथ ही कार्तिक शुक्ल चतुर्थी 17 नवंबर से होगी। श्री हनुमान जी महाराज का विशेष वार मंगलवार और शनिवार है। हनुमान जी महाराज जो भगत हनुमान जी महाराज के अति प्रिय हैं, श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति करते हैं, उनके निवारण हेतु, उनके दुख संकट निवारण हेतु मंगलवार और शनिवार के दिन उस भक्त के पास आते हैं। पावन पवित्र बागेश्वर धाम जैसी शाखाएं पूरे विश्व के अंदर हैं, उन जगह पर उन पावन पवित्र सफलों के ऊपर उस दिन विराजमान होते हैं। ये वार की एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। मंगलवार वार तो पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर आज मंगलवार का बहुत बड़ा महादिव्य दरबार, देसी दरबार और फेरी दरबार लगने वाला है। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज महावीर श्री हनुमान जी महाराज का पावन पवित्र वार मंगलवार है। मंगलवार और शनिवार, शनिवार और मंगलवार दो ऐसे वार हैं जो हनुमान जी महाराज के अति प्रिय हैं। पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ हनुमान जी महाराज के पावन पवित्र स्थल हैं, मंदिर हैं, उन मंदिरों के अंदर मंगलवार और शनिवार बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को ये विशेष वरदान है माँ लक्ष्मी का। लक्ष्मी रूप ही थी माँ सीता। माता सीता ने यह वरदान दिया था कि शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन आपको जो भी भक्त भजेगा उसके सभी बिगड़े हुए काम बनेंगे। शनिवार और मंगलवार के दिन आपको जो भी भक्त सिंदूर और चोला चढ़ाएगा उसको मन वांछित फल, जो भी जिसकी जो भी समस्या होगी उस समस्याओं का निवारण होगा। तो तभी से हनुमान जी महाराज की अनेकों उदाहरण है मंगलवार और शनिवार की, कोई एक उदाहरण नहीं है। तो मंगलवार का जो दिन है अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। तो पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर आज मंगलवार के दिन महादिव्य दरबार और पेशी दरबार लगता है। हजारों किलोमीटर दूर से भक्त आके अपनी मनोकामनाएं, जो जो जिस जिस भक्त की परेशानी है, जिस जिस भक्त की समस्या है, जो जो समस्याएं होती हैं, दुख की हैं, सुख की हैं, घर परिवार की हैं, भूत प्रेत बाधा लाग लपेट घर के अंदर नेगेटिविटी की है, अनेकों समस्याएं हैं, घर गृहस्थी की हैं, व्यापार की हैं, पढ़ाई लिखाई की हैं, स्वास्थ्य की हैं, और किसी से अनबन हो गई है उनकी है, घर गृहस्थी के अंदर मियां बीवी की आपस में धर्म पत्नी की और पति देव की नहीं बन रही है,
व्यापार के अंदर जब भी कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उस व्यापार के अंदर कोई फायदा नहीं होता, घाटा ही घाटा होता है। बच्चे बात को नहीं मानते, जमीन जायदाद